दोस्तों मैं तुहानू सुनाउण जा रहा आस्कर वाइल्ड की लिखी कहानी बुलबुल अते गुलाब। ये कहानी रंग प्यार दे किताब विचों लई गई है अते इसका अनुवाद किया है रिशि हिरदेपाल ने। बेहद वेदना नाल करौंदा नौजवान बोलिया, वो कहिंदी है लाल गुलाब बिना मैं तेरे नाल नहीं नचांगी, पर मेरे बाग विच तां एक भी लाल गुलाब नहीं है। बोर्ड दे रुख ते अपने आलने च बैठी बुलबुल ये सब बड़े ध्यान नाल सुन रही सी। वो पत्तियां दे ओल्यों झाक इस ते हैरान हो रही सी। नौजवान दियां अखां हंझुआं नाल नम सन। वो फिर करौंदा होया बोलिया, मेरे बाग विच एक भी लाल गुलाब नहीं है। हाए, कदे कदाई खुशियां भी किन्नियां छोटियां चीज़ां ते निर्भर हुंदियां हन। मैं बुद्धिजीवियां द्वारा लिखा सब पढ़िया है, दर्शन शास्त्र दे सारे रहस्सां तों भली भांत जाणू हाँ, पर इस वेले एक लाल गुलाब दी चाहत ने मेरे जीवन नूं उजाड़ के रख दिता है। बुलबुल बोली, आखिर सच्चा प्रेमी मिल ही गया। हर रात जिस अणजाण लई गाउंदी सी, जिस दियां कहानियां तारियां नूं सुणाउंदी सी, अज ओह मैनूं मिल ही गया। काले वाल ते लाल गुलाब दी तरह सुरख बुल्लां वाला, पर लाल गुलाब दे जनून नाल उहदा चेहरा पीले पए हाथी दंद जिहा हो गया है। उहदे प्रवट्टियां ते दुख दी काली छां साफ नज़र आ रही है। वह नौजवान विद्यार्थी बोलिया, कल रात राजकुमार नृत्य का आयोजन कर रहा है, मेरा प्यारा भी उत्थे होवेगा। जे मैं लाल गुलाब भी लै जांदा हाँ तां उह सवेर होण तक मेरे नाल नचेगा। उसका सिर मेरे मोढ़े ते टिकिया होवेगा, उसका हथ मेरे हथां च होवेगा, पर मेरे बाग च तां लाल गुलाब है ही नहीं। तां की मैं इकला बैठा रहांगा, वह मेरे कोलों दी लंघ जाएगी, मेरे वल भोरा भी ध्यान नहीं देवेगी, ते मेरा दिल टोटे टोटे हो जाएगा। बुलबुल बोली, ये सच्चा प्रेमी लगता है ते दुखी भी है, इंज भला मैं किंज गा पावांगी। ओ दुख विच है ते मेरे लिए खुशी का दी, सच्ची प्यार बहुत खूबसूरत हुंदा है, ये हीरे मोतियां तो कई गुणा कीमती ते प्यारा हुंदा है। हीरे मोती दे के भी इसनू खरीदा नहीं जा सकता, ना ही यह बाजारों मिलता है, यह शाहूकारा व्यापारियों की पहुँच तो परे है, इसनू सोने चांदी च तोलना भी असंभव है। नौजवान विद्यार्थी एक बार फिर बोलिया, सारे संगीतकार गैलरी च बैठ वायलन दियां सुरां छेड़ रहे होणगे, मेरा प्यारा इन्हां धुनां ते नच रहा होवेगा। मस्त होके नचण वेले उहदे पैर जमीन ते नहीं टिकणगे, पर उह मेरे नाल नहीं नचेगी क्योंकि उहनूं देण लई मेरे कोल लाल गुलाब नहीं है। उह घा ते लेट अपना मूंह दोवां हत्थां च लुको के रोण लग पिया। अपनी पूछ नूं हवा च लहराउंदिआं उहदे कोलों लंघी गिरगिट ने पुछिआ, इह क्यों रोई जांदा है? तितली भी बोली, हाँ पर क्यों? हौली जिही आवाज़ च डेजी दे फुल ने अपने गुआंढ तो पुछिआ, सच्ची पर क्यों? बुलबुल बोली, वह लाल गुलाब दे लई रो रहा है। वह सारे चीके, लाल गुलाब दे लई? किन्ना बेवकूफ है, इहदे नाल ही किरली ठहाका मार के हसी। पर बुलबुल विद्यार्थी दे दुख दे रहस नूं जाणदी सी, वह चुप चाप बोर्ड दे रुख ते बैठी रही। वह प्यार दे रहस दे बारे सोचण लगी। अचानक उहने उड्डन लई अपने भूरे खंभ फैलाए। थोड़ी ही देर बाद वह हवा नाल गल्लां करन लगी। वह रुखां दे इकट्ठ दे उपरों परछावां बन गुजर गई ते बगीचे नूं लंघ गई। घा दे विचाले गुलाब दा एक सुंदर पौधा सी। बुलबुल ने उसनूं वेख्या ते उहदे चारों पासे एक गेड़ा मारिया। बुलबुल उच्ची आवाज च बोली, मैनूं एक लाल गुलाब दे दिओ। पौधा बोलिया, समुंदर दी फरनैली झग जिहा सफैद ते पहाड़ां ते डिग्गी बर्फ जिहा सफैद, जो तुहानूं चाहीदा उहदे लई मेरे भरा दे कोल जाणा पवेगा, जिहड़ा पुराणी धुप्पकड़ी दे कोल विराजमान है। बुलबुल उड के पुराणी धुप्पकड़ी दे कोल लगे गुलाब दे पौधे कोल पहुंची। ओ बोलिया, मेरे गुलाब पीले हुंदे हन, अंबर दे सिंघासण ते बैठी जलपरी दे वाला वांगर पीले ते चार गाज खिड़े नरगसी दे फुल्लां वांगर पीले, जिहड़े घा खोतन वालियां दी दाती दे आउण तों पहलां तक खिड़े रहिंदे हन। तैनूं विद्यार्थियां दी बारी दे हेठां लगे मेरे भरा दे कोल जाणा पवेगा, शायद उह तैनूं उह दे सके जो तैनूं चाहीदा।
बुलबुल उड के विद्यार्थियों की बारी के हेठां लगे गुलाब के कोल पहुंची। बुलबुल बोली, तू मैनू एक लाल गुलाब दे दे, मैं तैनू अपना मधुर गीत सुनावांगी। पर पौधे ने ना विच सिर हिला दिता। वह बोलिया, मेरे गुलाब लाल रंग दे हन, जवां कबूतर दे पैरां वर्गे लाल, ते समुंदर दे डूंग च वहण वाले मूंगे वांग कई गुणा लाल। पर ठंड ने मेरियां धमनियां नूं जमा दिता है, ठंड ने मेरियां कलियां नूं मौसम दे आरंभ विच ही नष्ट कर दिता है, तूफान ने मेरियां छोटियां छोटियां कलियां नूं तोड़ दिता है, हुण पूरे साल मेरे ते कोई गुलाब नहीं खिड़न वाला। बुलबुल चीकदी हुई बोली, मैं सिर्फ एक लाल गुलाब चाहती हाँ, सिर्फ एक लाल गुलाब, कि इसनू पाउण दा कोई होर तरीका नहीं है? हाँ, एक राह है, पर यह बहुत खतरनाक ते भयानक है, इसलिए मैं तुहानू नहीं कह सकता, पौधे ने जवाब दिता। मैनू दस, मैं नहीं डरांगी, बुलबुल बोली। पौधा बोलिया, जे तू लाल गुलाब चाहती है तां तैनू चांदनी रात च अपने संगीत ते दिल दे खून नाल सिंजना पवेगा। पूरी रात तू मेरे लिए गावेंगी ते कंडा तेरे दिल च चुभ्या रहेगा, तेरा खून मेरियां धमनियां च वहेगा ते मेरे खून च तब्दील हो जाएगा। बुलबुल उच्ची आवाज च बोली, एक लाल गुलाब दे लई मौत बहुत वड्डी कीमत है, जिंदगी सारयां नूं प्यारी हुंदी है। हरे भरे जंगलां च बैठ, सोने दे रथ ते सवार हो सूरज, ते मोतियां दे रथ ते सवार हो चंद नूं देख, किसे सुख दी प्राप्ति हुंदी है। रुख पौद्यां दी खुशबू मनमोहक हुंदी है, घाटी च छुपे नीले रंग दे फुल भी बहुत चंगे लगदे ने, पहाड़ियां ते चलण वालियां हवावां मस्त करन वालियां हुंदियां ने। फिर भी इन्हां सभनां दी तुलना च प्यार जिंदगी तो बेहतर है। कि बुलबुल दे दिल दी बंदे दे दिल नाल तुलना कीती जा सकती है? उन्हें उड्डन लई खंभ फैलाए ते हवा च फुर्र हो गई। वह बगीचे दे उपरों परछावें वांग गुजरी, तेजी नाल वह रुख दे झुंडां दे उपरों लंघ गई। नौजवान विद्यार्थी हाले भी घा ते लम्मा पिया होया सी, जिथे बुलबुल उन्हूं छड़ के गई सी, उहदियां सोहणियां अखां हाले भी नम सन। बुलबुल बोली, खुश हो जावो, खुश हो जावो, हुण तैनू लाल गुलाब मिल जाएगा, मैं इसनू चांदनी रात च अपने गीत नाल पैदा करांगी ते अपने दिल दे खून नाल सिंजांगी। मैं तैनू कहण आई हाँ कि तू सच्चा आशक है, दर्शन शास्त्र तो वधेरे पवित्र ते ज्ञानवान है प्यार, इसलिए यह सियाणा ते ताकतवर है, प्यार ही रब है, अग दे रंग जिहे उसदे खंभ हन ते इदां दा ही उहदा शरीर, उसदे बुल शहद वांग मिठे ते साख खुशबूदार हन। विद्यार्थी ने घा तो सिर चुक के वेख्या ते सुनिया बुलबुल उहनूं की कह रही है। वह कुछ ना समझ सकिया, वह तां सिर्फ उही कुछ जानदा सी जो किताबां विच लिखा सी, पर बुढ़ दा रुख समझ गया। वह अपनियां टाणियां च आलना बनाउण वाली बुलबुल नूं बहुत पसंद करदा सी, इसलिए उसनूं इह सब कुछ सुन के दुख होया। वह बोलिया, मेरे लिए एक आखिरी गीत गा, जदों तू चली जावेंगी मैं बहुत इकला महसूस करांगा। बुलबुल रुख दे लई गाउण लगी, उहदी आवाज़ केतली च उबलदे पाणी वांग सी। जिवें ही बुलबुल ने गाणा बंद कीता, विद्यार्थी उठिया, नोटबुक लई ते अपनी जेब चों पेंसिल कढ़ी। रुखां दे झुंड कोलों गुजरदिआं विद्यार्थी बोलिया, उह कलात्मक है, इस तों इनकार नहीं कीता जा सकदा, कि उहदे विच भावनावां वी सन। मैनूं डर है कि शायद ना होण, हालांकि उह कलाकारां नूं पसंद करदी है, उस विच गंभीरता की कमी है, वह सिर्फ संगीत दे बारे ही सोच सकती है। हर कोई जानदा है कला स्वार्थी हुंदी है, इस सब कासे तों बिना भी उहदी आवाज़ च कुछ मंत्र मुग्ध करन वाला है। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਰਮ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੰਦ ਦਾ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬੁਲਬੁਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਵਕਤ ਗਵਾਇਆ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਕੱਸ ਕੇ ਖਬੋ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੁਲਬੁਲ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੰਡਾ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗਹਿਰਾ ਉਤਰਦਾ ਗਿਆ। ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਸਫੈਦ ਤੇ ਠੰਡਾ ਚੰਦ ਵੀ ਬੁਲਬੁਲ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੁਲਬੁਲ ਰਾਤ ਭਰ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੰਡਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਕੁਰੇਦਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਖੂਨ ਵੀ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
उन्हें सब तो पहला मुंडे ते कुड़ी दे दिल च पैदा होने वाले प्यार दा गीत गाया। पौधे ते एक खूबसूरत गुलाब खिड़ आया। जिवें जिवें बुलबुल एक तो बाद एक गीत गाउंदी जा रही सी, उवें उवें गुलाब दियां पत्तियां खिड़न लगियां। पहला गुलाब सवेर वेले नदी उत्ते छाई धुंद वर्गा चिट्टा सी। गुलाब चांदी दे शीशे ते पानी दे तालाब च पै रहे परछावें वांग लग रहा सी। कुछ इदा वह गुलाब दे पौधे ते खिड़ रहा सी। पौधा बुलबुल नू कंडे ते होर जोर देने लई आख रहा सी। पौधा चीकिया, कस के नप प्यारी छोटी बुलबुल, किधरे गुलाब पूरा होने तो पहला दिन ना चढ़ जावे। ए सुन बुलबुल ने कंडे ते होर दबाव वधाया। बुलबुल ने अपने गीत की आवाज़ नू होर उच्चा किया। बुलबुल औरत ते मर्द की आत्मा च पैदा होने वाला गीत गा रही सी। गुलाब दियां पत्तियां च बिल्कुल उदां दा ही गुलाबी रंग तुर पिया जिदा अपनी नव व्यवता का चेहरा चुम के लाड़े का हो जाता है। कंडा हले दिल तीक नहीं पहुंचया सी। गुलाब का अंदरला हिस्सा हले भी सफेद सी। सिर्फ बुलबुल के दिल का खून ही उन्हों लाली प्रदान कर सकता सी। पौधा फिर चीकया कि बुलबुल होर जोर लावे। पौधा चीकया, बुलबुल जोर ला के नप, नहीं तो गुलाब पूरा होने तो पहला ही दिन निकल आवेगा। ये सुन बुलबुल ने कंडे ते होर दबाव वधाया। आखिर कंडा उहदे दिल तक पहुँच ही गया। एक तिखा दर्द उहदे शरीर चो बिजली वांगर लंघ गया। दर्द घातक हुंदा गया ते बुलबुल दा गीत उच्चा। वह उस प्यार दा गीत गा रही सी जिहड़ा मरन नाल मुकम्मल हुंदा है। उस प्यार दा जिहड़ा मर के कबर विच दफन नहीं हुंदा। आखिर खूबसूरत गुलाब सुरख हो ही गया। पूर्वी आसमान वांग सुरख, जवां दिल दी गहराई वांग लाल। बुलबुल दी आवाज धीमी हो गई। उहदे निक्के निक्के खंभ तेजी नाल फड़फड़ाउण लगे। उहदियां अखां बंद हो रही सन। उहदा गीत भी हौला हुंदा जा रहा सी। बुलबुल नूं लग रहा सी जिवें गले च कुछ अटक गया है। बुलबुल ने आखिरी सरगम छेड़ी। चन ने भी उहनूं सुनिया ते उह छुपना भुल के एक थां स्थिर हो गया। लाल गुलाब ने उहनूं सुनिया ते उह इस आनंद नाल कंब गया। उन्हें सवेर दियां ताज़ा ते मदहोश कर देने वालियां हवावां दे वास्ते अपनियां पत्तियां मुकम्मल रूप च खोल दित्तियां। एक चीक पूरे पहाड़ी खेतरां च गूंज के रह गई। एक चीक जिसने ख्वाबां च गवाचे पहाड़ी लोकां नूं जगा दिता। नदी ते सवार होके उन्हें अपना संदेश समुंदर नूं दिता। पौधा चीख्या, वेखो वेखो गुलाब मुकम्मल हो गया। बुलबुल ने कोई जवाब नहीं दिता। उहदे दिल च कंडा पूरी तरह लै गया सी ते ओ घाते मरी पई सी। दुपहरे विद्यार्थी ने बारी खोल बार झाक वेख्या। उह खुशी नाल चीकिया, किस्मत दा खूबसूरत करिश्मा, ए रहा लाल गुलाब। मैं अपने जीवन च इस तरह दा लाल गुलाब कदे नहीं देखा। ए बहुत सुंदर है, ए तां पक्का है, इसका कोई ना कोई लातीनी ना जरूर होवेगा। उन्हें झुक के फुल तोड़ लिया। विद्यार्थी ने टोपी पाई ते गुलाब लै वह प्रोफेसर दे घर वल नठिया। प्रोफेसर दी धी बूहे ते बैठी सिल्क दी नीले रंग दी रील लपेट रही सी। छोटा जिहा कुत्ता उहदे पैरां कोल बैठा सी। विद्यार्थी बोलिया, तू कहा सी जे मैं लाल गुलाब लै आवांगा तां तू मेरे नाल नचेंगी। अज रात नूं तू इहनूं अपने सीने नाल लगावेंगी ते आपां नचांगे। ये तेनों महसूस करवाएगा कि मैं तेनों किन्ना प्यार करदा हाँ। पर कुड़ी नक चढ़ाउण लगी। उसने जवाब दिता, मैनू लगता है ये मेरी पोशाक नाल मेल नहीं खावेगा। उंज भी चैंबरलेन के भतीजे ने मैनू शुद्ध सोने के गहने भेजे हैं। सारे नूं पता है गहने की कीमत फुलों तो कितने वध हुंदी है। विद्यार्थी चीकिया, मेरी नज़र च तू कृतकण है। विद्यार्थी गुलाब नूं सड़क ते सुट के तुर पिया। हाले वह कुछ कदम ही तुरिया सी कि गुलाब के उत्तों कार का पहिया लंघ गया। कुड़ी बोली, कृतकण मैं तेनू दस दी हाँ, तू बहुत असभ्यक है। उंज भी तू है कि सिर्फ एक विद्यार्थी, मैं क्यों यकीन करा कदे तेरे बूटा च चैंबरलेन के भतीजे की तरह चांदी के बकल होणगे। वह अपनी कुर्सी चुक के घर के अंदर चली गई। विद्यार्थी अपने कमरे च परतद्या बोलिया, प्यार भी किन्नी बेहूदी चीज़ है, इसनू तर्क वांग इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता। यह कदे भी ना पूरे होने वाले सुपने वांग दिखता है। यह यकीन करने मजबूर करता है कि यह सच नहीं है, यह व्यवहारक नहीं है,
इस उम्र च व्यवहारकता ही सब कुछ है। मैं वापस दर्शन शास्त्र वाल रुख करांगा ते तत् मीमांसा दा अध्ययन करांगा। कमरे च वड़नसार विद्यार्थी ने किताब चुकी ते पढ़न लग पिया।